चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इससे संबंधित मुद्दा क्या है, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अलग अलग धर्मों में तलाक का क्या आधार होता है और हमारे संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहा गया है। विषय प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में बात की गई है। कथन दो, देश में केरल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उपरोक्त में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुने। यह चर्चा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने सभी नागरिकों के लिए तलाक और गुजारा भत्ते के लिए समान आधार को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि देश में अलग अलग धर्मों की महिलाओं के लिए तलाक के आधार अलग है, उनके गुजारा भत्ते को लेकर भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है। ये सामान्य मानवाधिकारों का उल्लंघन है। मुद्दा क्या है? यह मामला कॉमन सिविल कोड का है। देश में अलग अलग धर्मों में शादी, जमीन जायदाद पर उत्तराधिकार, अडॉप्शन, तलाक और मेंटेनेंस को लेकर अलग अलग तरह के मोटे तौर पर 5 कानून हैं। आदिवासियों, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के लोगों के लिए इसमें इन कानूनों से अलग भी रियायतें हैं। हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म के लोगों पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत तलाक और गुजारा भत्ता मिलता है। मुसलमानों के मामले वेद विवाह और निकाह से पहले हुए समझौते की स्थिति के अनुसार निपटाए जाते हैं और उन पर मुस्लिम महिला कानून 1986 लागू होता है। ईसाइयों पर ईसाई भारतीय तलाक कानून 1869 और पारसी लोगों पर पारसी विवाह व तलाक कानून 1936 लागू होता है। जब दो अलग अलग धर्मों के लड़का लड़की शादी करते हैं तो तलाक से जुड़े मामले के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। याचिका में इन्हीं अलग अलग कानूनों में एक हिस्से के रूप में शामिल तलाक और गुजारा भत्ता को समान करने की मांग की गई है। तर्क ये है कि तलाक के लिए कॉमन ग्राउंड और समान गुजारा भत्ता धर्म नहीं बल्कि मानवाधिकार का मामला है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट बड़ी ही सावधानी के साथ नोटिस जारी कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप किए बिना भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कोर्ट कैसे हटा सकती है? आप कैसे तय करेंगे कि क्या अपनाया जाए जो हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्म में है? इस विषय पर सरकार को जवाब देने के लिए कोई तारीख कोर्ट ने तय नहीं की है। अलग अलग धर्मों में तलाक के आधार क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 निकाह करने की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में एक पत्नी एक पति का नियम बहुत कड़ाई से लागू है। बांझपन या नपुंसकता जैसा कारण होने पर हिंदू, ईसाई, पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए कई लोग दूसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। भारत जैसे सेक्युलर देश में 4 निकाह जायज है, जबकि इस्लामिक देश पाकिस्तान में पहली बीवी की इजाजत के बिना शोहर दूसरा निकाह नहीं कर सकता। तलाक के हसन और तलाक के अहसन में भी तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं है, केवल 3 महीने इंतजार करना है। वहीं अन्य धर्मों में केवल कोर्ट के जरिए ही शादियां टूट सकती हैं। तलाक का आधार सबके लिए एक समान नहीं है। व्यभिचार के आधार पर मुस्लिम अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन बीवी अपने शोहर को तलाक नहीं दे सकती। हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म में तो व्यभिचार तलाक का ग्राउंड ही नहीं है।
कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारी के आधार पर हिंदू और ईसाई धर्म में तलाक हो सकता है, लेकिन पारसी और मुस्लिम धर्म में नहीं। कम उम्र में विवाह के आधार पर हिंदू धर्म में विवाह टूट सकता है, लेकिन पारसी, ईसाई और मुस्लिम में यह संभव नहीं है। ये सभी विषय मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं। इनका धर्म या मजहब से कोई संबंध नहीं है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 से कॉमन सिविल लॉ की कल्पना की थी ताकि सबको समान अधिकार मिले, लेकिन भारतीय नागरिक संहिता आज तक लागू नहीं किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून लागू करने की कोशिश करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश के हर नागरिक पर एक कानून लागू होगा। देश में शादी से लेकर तलाक, गुजारा भत्ता से लेकर बच्चों को गोद लेने तक के नियम एक जैसे होंगे। कहीं प्रॉपर्टी में लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, कहीं तलाक लेने से पहले एक साल समझौते के लिए रखा जाता है, तो कहीं 2 साल। याचिकाकर्ता इसे ही मानवाधिकारों से जोड़कर कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। देश में गोवा इकलौता राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। 1961 में जब गोवा आजाद हुआ, तब से ही यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लॉ कमीशन ने 2018 में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। कमीशन ने कहा कि इसके स्थान पर निजी कानूनों को मजबूत करने की जरूरत है। 2 साल से इसी लॉ कमीशन में कोई चेयरमैन नहीं है। कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से समाज में अलगाव होगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था, उसका सही जवाब है विकल्प सी। आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।